वेलकम एवरी वन टू योर ओन यूट्यूब चैनल जिसका नाम है नीट निकेतन। और आज के सेशन में हम शुरू करने वाले हैं NCERT डिस्कशंस, क्योंकि वो सबके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, राइट? एंड शुरू करने से पहले आई वुड जस्ट लाइक टू टेल यू समथिंग कि यार, NCERT को हमेशा अपनी प्रायोरिटी रखो, उसको कम से कम दो बार आप रीड करो, उसके सारे क्वेश्चंस करो। और अगर अभी तक आपने क्वेश्चंस नहीं किए हैं, देन लेट्स सॉल्व देम टुगेदर। और आज के इस पर्टिकुलर सेशन को हम शुरू कर रहे हैं चैप्टर नंबर 1 ऑफ क्लास 11, दैट इज सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। एंड एक्चुअली ना, इसमें सभी के सभी सिर्फ सारे बेसिक कॉन्सेप्ट ही हैं, ठीक है, जो आगे तक हमारे बहुत काम आने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स एज यू कैन सी। ऑल राइट, let's look at the first question, which says calculate the molecular formula of glucose. Glucose kya hota hai? C6H12O6, right? Bahut simple question hai, hame uska molecular formula batana hai. So as you can see, we have C6H12O6. Individually hum kya lenge? Atomic mass lenge. Sabse pehla jo element hai hamare paas wo hai carbon. कार्बन का एटॉमिक मास मुझे कितना होता है मैम? 12। यहाँ पे कितने कार्बन है? 6। तो C6 का कितना मास हो जाएगा? 12 × 6, राइट? सो बहुत सिंपल है, 12 × 6 प्लस एक हाइड्रोजन का 1U, राइट? U इज यूनिफाइड मास, सो दिस बिकम्स 1 × 12 प्लस एक ऑक्सीजन का कितना होता है? 16। हमारे पास कितने ऑक्सीजन है? 6। तो ये हो गया 16 × 6 U, ठीक है भाई? ये हम किस में कैलकुलेट कर रहे हैं? यूनिफाइड मास। ये आ गया हमारे पास इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। जल्दी से यार इसको सॉल्व करो, 12 × 6 = 72 प्लस 12 प्लस 16 × 6 कितना होता है? 96, राइट? 96 U, कितना आ गया बच्चे ये? 180, राइट? इट कम्स आउट टू बी 180 U, एज यू कैन सी। वेरी सिंपल, वेरी इजी, कुछ डिफिकल्ट नहीं था इसमें। एंड एज यू कैन सी हियर, यहाँ पे NCERT में जो एग्जैक्टली सॉल्व किया हुआ है वो भी मैंने कोशिश की है, मोस्टली हर क्वेश्चन में यहाँ पे आपके लिए डाला है, ताकि कोई परेशानी ना हो, राइट? एग्जैक्टली आपको स्टेटमेंट्स दिख जाएं, सब कुछ आपको एक ही जगह मिल जाए। क्लियर है? जल्दी से इसको देखो, यहाँ पे एग्जैक्ट वैल्यूज लिए हुए हैं, ठीक है? आप देख रहे हो, बहुत ज़्यादा फर्क नहीं आएगा कभी भी इससे। आप यही वैल्यूज लो जो हमने अभी ली हैं, ठीक है? आपको डेसिमल्स में जाने की बहुत ज़्यादा नीड नहीं है, कूल है? चलो, लेट्स लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन। अ कंपाउंड कंटेन्स 4.07% हाइड्रोजन, 24.27% कार्बन एंड 71.65% क्लोरीन। मोलर मास इस कंपाउंड का गिवन है 98.96 ग्राम्स। तो हमें इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताना है। हम ये चैप्टर ऑलरेडी अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं, ये कॉन्सेप्ट भी अच्छे से कर चुके हैं। सो एज यू नो यार, एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होता है? जो सबसे बेसिक फॉर्मूला हो, राइट? जैसे कि फॉर इंस्टेंस, हम पिछले क्वेश्चन में यार किसकी बात कर रहे थे? ग्लूकोज, C6H12O6 की बात कर रहे थे, ठीक है? तो ये है इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। लेकिन अगर मैं इसके एम्पेरिकल फॉर्मूला, सबसे बेसिक
फॉर्मूला के बारे में बात करूं तो वो क्या होगा, इट विल बी सी एच टू ओ, राइट। सिक्स जो भी यहाँ पे सबसे छोटा नंबर है मैंने उसको हर किसी से डिवाइड कर दिया, 6 by 6, 12 by 6, 6 by 6, ठीक है भाई, इट इज़ द सिंपलेस्ट रेशियो, सो इट बिकम्स सी एच टू ओ। तो हमें हमारे इस क्वेश्चन में इस डेटा के आधार पर एम्पिरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों चीज़ें बतानी। तो चलो यार कैसे करेंगे इसमें, सबसे पहला स्टेप हमने क्या सोचा था, क्या अज्यूम करना था कि आप यहाँ पे मान लो कि यार हमारे पास ना 100 ग्राम ऑफ कंपाउंड है, लेट्स अज्यूम 100 ग्राम कंपाउंड है ना, आप मान लो कि आपके पास जो ये कंपाउंड है वो कितने 100 ग्राम है। इससे आसानी क्या होगी, जो देखो आपको परसेंटेज गिवन है आप उसको डायरेक्टली ना ग्राम से रिलेट कर सकते हो, राइट। आपको यहाँ से पता चल जाएगा कि आपके पास 4.07 ग्राम हाइड्रोजन है, अगर 100 ग्राम टोटल कंपाउंड है तो उसमें से 4.07 ग्राम हाइड्रोजन हुआ, 24.27% कार्बन हुआ और 71.65% ग्राम्स क्लोरीन हुआ। तो हमने परसेंटेज को डायरेक्टली ग्राम से रिलेट कर लिया। सो यस, तो हमारे पास अगर बात की जाए, चलो हाइड्रोजन, यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कार्बन और यहाँ पे बात कर लेते हैं क्लोरीन के बारे में, सही है। लेट्स चेंज द पेन कलर। सो फॉर हाइड्रोजन बच्चे हमारे पास कितना मास आ गया, हमारे पास आ गया 4.07 ग्राम्स, सही है। फॉर कार्बन वी हैव 24.27 ग्राम्स एंड फॉर क्लोरीन वी हैव 71.65 ग्राम्स, ठीक है। अब यार अगर अब आपको इंडिविजुअल इन एलिमेंट्स का मास पता है तो क्या आप इनके मोल्स कैलकुलेट कर सकते हो? यस मैम, कैसे बेटा? मोल्स होते हैं मैम गिवन मास जिसको हम W से डिनोट करते हैं ओवर मॉलिक्यूलर मास या एटॉमिक मास, राइट। तो यार इनका वेट हमें पता है, एटॉमिक वेट भी पता है, नंबर ऑफ मोल्स निकल गए। तो चलो जी नेक्स्ट स्टेप पे जंप करते हैं जिसमें हमें नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं। तो कैसे निकालोगे मैम? हाइड्रोजन के लिए 4.07 ओवर हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट 1U, तो चलो 1 ग्राम बेसिकली, राइट, ग्राम एटॉमिक मास में अगर बात करें सो 1, तो इसके नंबर ऑफ मोल्स बच्चे कितने आ गए? 4 मोल्स आ गए, यस मैम। कार्बन की अगर बात की जाए 24.27 ग्राम्स हमें गिवन है डिवाइडेड बाय 12, है ना। तो देखो ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू कितनी आ गई, 2 मोल्स लेके चल लेते हैं, राइट। इसको यहाँ पे हम कह सकते हैं मैम ये आ गए कितने, दीज आर अप्रॉक्सीमेटली 2 मोल्स, सही है। देन क्लोरीन हमें कितना गिवन है, 71.65 ग्राम्स और क्लोरीन का एटॉमिक मास होता है मैम 35.5, तो यार ये भी अप्रॉक्सीमेटली कितना आ गया, 2 मोल्स ही आ गया। 35 × 2 क्या होता है, 70 होता है, तो आप देख रहे हो 35.5, 71.65, ठीक है, तो ये भी अप्रॉक्सीमेटली 2 मोल्स आ गया। नाउ अगला स्टेप क्या होता है यार, ये देखो मैंने तुम्हारे लिए नोट भी करके रखा हुआ है। पहला स्टेप मास परसेंट को ग्राम्स में कन्वर्ट करना, दूसरा स्टेप कन्वर्ट इनटू नंबर ऑफ मोल्स, ये हमने कर लिया। अभी बारी आती है तीसरे स्टेप की। तीसरे स्टेप में आपको क्या करना होता है, जो भी आपने नंबर ऑफ मोल्स निकाले हैं उसको आपको डिवाइड करना है द स्मॉलेस्ट वैल्यू, इसमें इन तीनों में से स्मॉलेस्ट वैल्यू कौन सी है, 2, तो इन तीनों को ही आप 2 से डिवाइड कर दोगे, ठीक है भाई, लाइक दैट। तो आप बोलोगे 4/2, 2/2 एंड 2/2, तो ये कितना आ गया, 2 आ गया, ये 1 आ गया, ये भी 1 आ गया। तो इस रेशियो के हिसाब से आप एम्पिरिकल फॉर्मूला निकाल सकते हो। तो आप यहाँ से क्या बोल सकते हो कि मैम एम्पिरिकल फॉर्मूला यहाँ से ना हमें पता चल गया कितना आया, ये देखो H2C1
CL. तो आप क्या बेसिकली बोल सकते हो, CH2Cl, है ना? What can you say? You can say CH2Cl. CH2Cl. अब अगर आपके पास empirical formula आ गया, तो मतलब आपके पास empirical formula mass भी आ गया, right? आप यहाँ से क्या और calculate कर सकते हो? Empirical formula मास भी आप कैलकुलेट कर सकते हो मैम, बहुत इजी है. कार्बन का कितना होता है मैम? 12. हाइड्रोजन का 2, क्लोरीन का 35.5, राइट? ये कितना आ गया भाई? 35.5, सही है. बहुत इजी, बहुत सिंपल. 12 प्लस 2 कितना होता है? 14. 14 प्लस 35.5, तो आप बोल सकते हो 49.5, राइट? 49.5, ठीक है. ये आ गया इसका empirical formula mass. अभी देखो यार, अगर आप question को देखो तो यहाँ पे हमें already जिस compound की हम बात कर रहे हैं हमें उसका molar mass given है, right? हमें उसका molar mass already given है. और आपको ये बात मैंने बताई थी हमारे session में भी, कि क्या बात बताई थी? कि बेटा, कि बच्चे एम्पेरिकल फॉर्मूला को जब आप किसी नंबर n से मल्टीप्लाई करते हो तो आपको क्या मिलता है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मिलता है, राइट? एम्पेरिकल फॉर्मूला को जब आप किसी नंबर n से मल्टीप्लाई करते हो तब जाके आपको क्या मिलता है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला. जैसे कि हमने देखा था ना, C6H12O6 क्या था? ग्लूकोज था. उसका जो हमारा एम्पेरिकल फॉर्मूला आया था वो क्या आया था? C H2O, है ना? जब हमने हर किसी को 6 से मल्टीप्लाई किया तभी हमें क्या मिलेगा? ग्लूकोज का फॉर्मूला मिलेगा. तो यार यहाँ से मैं इस n की वैल्यू निकाल सकती हूँ. इट कम्स आउट टू बी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बाय एम्पिरिकल फॉर्मूला, राइट? करेक्ट है. तो चलो जी, इस n की वैल्यू मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मैम ऑलरेडी मुझे गिविन है कितना? 98.96 ग्राम्स. 98.96 ग्राम्स. और एम्पिरिकल फॉर्मूला अभी हमने निकाला 49.5 ग्राम्स. तो यार ये वैल्यू कितनी आ गई? इस एन की वैल्यू भी 2 आ गई ना, इस एन की वैल्यू भी 2 आ गई. तो अब इसी एन की वैल्यू से मैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी निकाल सकती हूँ, राइट? वी कैन ऑल्सो कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला नाउ. कैसे? ये देखो यार, हमारा एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या आया था? CH2Cl. जब आप इस नंबर n से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको मिल जाएगा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला. क्या होगा? C2H4Cl2. C2H4Cl2. तो ये आ गया आपका फाइनल आंसर. यहाँ पे क्लियर है? हमने ये सभी स्टेप्स देखो यहाँ पे फॉलो किए हैं फ्रॉम स्टेप 1 to step 4, जैसा कि एनसीईआरटी में गिवन है. क्लियर? आई डोंट थिंक इसमें आपको कोई परेशानी होनी चाहिए. एंड एज यू कैन सी हियर, C2H4Cl2, दैट इज़ आ फाइनल आंसर. क्लियर? चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं. 1.3 प्रॉब्लम. Calculate the amount of water produced by the combustion of 16 grams of methane. Okay, बहुत easy question है और हमारे basic concepts को boost करने वाला question है, ठीक है? So yeah, methane क्या होता है? Methane is CH4, right? Methane is CH4. तो जब आप methane की combustion basically किसकी presence में करोगे? Oxygen, right? O2. एंड हमेशा जब भी आप किसी हाइड्रोकार्बन की कंबस्शन के बारे में बात करते हो तो क्या प्रोड्यूस होता है? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, राइट? सो यू कैन से CO2 प्लस H2O. दिस विल बी द इक्वेशन. क्या ये इक्वेशन यहीं पे ख़त्म हो जाएगी? नहीं, हमें इस इक्वेशन को बैलेंस ज़रूर करना है. मेक श्योर दैट यू बैलेंस द इक्वेशन, ठीक है भाई? तो जब आप इसको बैलेंस करोगे, देखो इधर 3 ऑक्सीजन है,
इधर दो ऑक्सीजन है, सिंपली चार हाइड्रोजन दो हाइड्रोजन, तो यार ये देखो ये हो गई ना बैलेंस इक्वेशन, ठीक है। नाउ दिस इक्वेशन इज बैलेंस्ड, राइट? या कूल है? यस मैम। अभी बढ़ते हैं आगे। जब आप 16 ग्राम मीथेन को जलाओगे, जब आप ये 16 ग्राम आपके पास मीथेन है, जब आप इसकी कंबस्टन करोगे तो कितना पानी प्रोड्यूस होगा, हमें ये बात बतानी है, सही है। ऐसे क्वेश्चंस में यार हमेशा याद रखना, पहली टिप क्या है कि आपको बैलेंस करना है, दूसरी टिप क्या है कि आप हमेशा नंबर ऑफ मोल से ऐसी चीज़ें कैलकुलेट करोगे, ना कि अमाउंट से, ठीक है ना। आपको ऑलरेडी अमाउंट गिवन है, क्या मैं मतलब कितना मीथेन प्रेजेंट है वो आपको गिवन है। क्या हम यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं? यस मैम निकाल सकते हैं। कैसे? गिवन मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास CH4 का हम कैलकुलेट कर सकते हैं, 12 + 4, अरे वाह ये भी आ गया कितना, 16 ग्राम्स। यानी कि हमारे पास इसके कितने मोल जुए बेटा, एक मोल, सही है ना। बैलेंस्ड इक्वेशन के हिसाब से आप क्या बोल रहे थे कि मैम जब मेरे पास एक मोल CH4 था, जब वो पूरी तरीके से कंबस्ट हो गया, देन आई हैड 2 moles ऑफ H2O, है ना। हमारे पास जब क्या थे, 2 moles ऑफ H2O थे। एंड नाउ एज यू कैन सी कि बेटा 16 ग्राम ऑफ मीथेन कॉरस्पॉन्ड्स टू 1 mole ऑफ CH4, तो यानी कि कितना H2O प्रोड्यूस होगा, 2 moles ऑफ H2O विल बी प्रोड्यूस्ड। आप यहाँ से क्या बोल सकते हो, 2 moles ऑफ H2O विल बी प्रोड्यूस्ड। बहुत ईजी क्वेश्चन है, पर क्या हमसे मोल्स पूछे हैं? क्या हमें मोल्स ही बताने हैं आंसर में, या कुछ और बताना है? हमें अमाउंट बताना है, बेसिकली हमें ग्राम्स में ये आंसर देना है। क्या हम निकाल पाएंगे? यस मैम। नंबर ऑफ मोल्स पता है, नंबर ऑफ मोल्स पता है, इतने मोल्स में H2O के कितने ग्राम्स होंगे हमें ये निकालना है। तो चलो यार वही सिंपल सा फॉर्मूला फिर से, नंबर ऑफ मोल्स 2, कितना मास है इसका W, हमें नहीं पता, पता करना है। मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2O 2 + 16 यानी कि 18, तो यानी कि यहाँ से इस W का यानी कि वेट ऑफ H2O, अमाउंट ऑफ H2O कितना आ गया, 18 × 2 36 grams। आप क्या बोल सकते हैं, 36 grams H2O will be produced and this is your final answer, ठीक है भाई, this is your final answer as you can see on the screen, is this clear? I think yes, कोई problem, कोई दिक्कत नहीं है, सही। And as you can see 36 grams of H2O, यहाँ पे प्रॉपरली सारे स्टेटमेंट्स भी आपको गिवन है, जिसमें आई डोंट थिंक कोई परेशानी होनी चाहिए, क्लियर है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं, प्रॉब्लम 1.4। सो इट सेज हाउ मैनी मोल्स ऑफ मीथेन आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 22 grams ऑफ CO2 आफ्टर कंबस्टन। सो सेम इक्वेशन विल बी यूज, राइट? दैट वॉज CH4 को जब आप कंबस्ट करोगे ऑक्सीजन के साथ, सो इट विल प्रोड्यूस CO2 + H2O, राइट? जब आप इसको बैलेंस करने की कोशिश करोगे तो यहाँ पे 2, यहाँ पे 2। नाउ द इक्वेशन इज बैलेंस्ड। हमसे पूछा गया है कितने मोल्स ऑफ मीथेन, इसके कितने मोल्स रिक्वायर्ड होंगे ताकि हमारे पास 22 ग्राम CO2 बन जाए, ठीक है, ताकि हमारे पास 22 ग्राम्स CO2 विल बी प्रोड्यूस। ना इफ़ यू लुक एट द बैलेंस्ड इक्वेशन, है ना, इफ़ यू लुक एट द बैलेंस्ड इक्वेशन, तो आप बोल सकते हो कि मैम जब हम एक मोल मीथेन की कंबस्चन कर रहे थे तो एक ही मोल CO2 प्रोड्यूस हो रहा था, है ना।
अगेन आई एम टेलिंग यू, ऐसे क्वेश्चन को मोल्स से रिलेट करते हैं, ग्राम से रिलेट नहीं करते हैं. 22 ग्राम CO2 बनाने के लिए हमें 22 ग्राम CH4 की जरूरत नहीं है, लेकिन एक मोल CO2 बनाने के लिए हमें एक मोल CH4 की जरूरत है. तो एज आई टोल्ड यू इन द प्रीवियस क्वेश्चन, पहली चीज बैलेंस करनी है इक्वेशन, दूसरी चीज कि आप नंबर ऑफ मोल्स से रिलेट करके देखोगे. ठीक है भाई, चलिए राइट. तो क्या मैं इसके नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकती हूँ CO2 के? यस मैम, वेरी इजीली. तो गिवन मास बच्चे इसका कितने है? 22 ग्राम्स ओवर मॉलिक्यूलर वेट ऑफ CO2. मैम 12 प्लस 32, एक ऑक्सीजन का 16, दो ऑक्सीजन का 32. 12 प्लस 32 बच्चे कितना होता है मैम? 44 होता है. सो इट बिकम्स 22 बाय 44. ठीक है भाई, ये भी ग्राम्स में, ये भी ग्राम्स में. तो कितने नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पे निकल कर आ गए CO2 के? 0.5 मोल्स. तो हमसे पूछा गया कि अगर आधा मोल कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोड्यूस हो, उसके लिए हमें कितने मोल मीथेन की जरूरत है? तो बेटा बैलेंस इक्वेशन के हिसाब से एक मोल कार्बन डाइऑक्साइड बनाने के लिए एक मोल ही मीथेन की जरूरत थी, लेकिन अब अगर हमें आधा मोल कार्बन डाइऑक्साइड का चाहिए, आधा मोल मतलब 22 ग्राम ऑफ CO2, तो उसके लिए हमें आधा मोल ही CH4 का रिक्वायर्ड होगा. राइट, सो यू हैव गॉट योर आंसर दैट 0.5 मोल्स ऑफ मीथेन रिक्वायर्ड, ऑफ मीथेन आर रिक्वायर्ड. क्लियर है? कोई दिक्कत वाली बात वैसे तो इसमें है ही नहीं. ठीक है, सो दिस इज योर आंसर, 0.5 मोल्स. सही है, एज यू कैन सी 0.5 मोल ऑफ CO2. सही है, कोई दिक्कत कोई परेशानी आई डोंट थिंक इसमें होनी चाहिए. जल्दी से आप इसको देखिए, फिर हम चलते हैं आगे. नाउ लेट्स लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन. ठीक है, दैट इज आवर प्रॉब्लम नंबर 1.5. ठीक है, विच सेज 50 kg ऑफ नाइट्रोजन गैस एंड 10 kg ऑफ हाइड्रोजन गैस आपने लिया अमोनिया बनाने के लिए. तो हमें बताना है कि कितना अमोनिया प्रोड्यूस होगा और लिमिटिंग रिएजेंट कौन है इस सिचुएशन में. तो सबसे पहला स्टेप, लेट्स लुक एट द केमिकल इक्वेशन. आपने लिया नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन और आपको क्या मिला? अमोनिया. क्या इतना लिखना सफिशिएंट है? नहीं, हमें इस इक्वेशन को बैलेंस करना पड़ेगा. सो हम क्या बोलेंगे, 2H2 gives you N2 plus 3H2, right? यहाँ पे we will have 3. N2 plus 3H2 will give you 2NH3, right? सही है? Now the equation is balanced. And दूसरा step यार आपको क्या बताया गया है कि आप amount में deal नहीं करोगे, आप कैसे deal करोगे? Number of moles में. तो चलो, आपको 50 किलोग्राम गिवन है. इसके अलावा यार आप पहले इसको ग्राम्स में कन्वर्ट करोगे तो ऑल ऑफ यू नो कि 1 kg में 1000 ग्राम्स होते हैं. ठीक है, सो 50 kg इज इक्वल टू 50,000 ग्राम्स. ठीक है, तो चलो दिस इज बेसिकली 50,000 ग्राम्स डिवाइडेड बाय गिवन मास इतना है. राइट, गिवन मास इतना है, इसका मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय 28. राइट, हाइड्रोजन की अगर बात करें, गिवन मास बचे कितना है? 10,000 ग्राम्स. ठीक है, ओवर इट्स मॉलिक्यूलर वेट, दैट इज 2 ग्राम्स. राइट, ऑफ हाइड्रोजन. क्लियर है? नाउ 50,000 डिवाइडेड बाय 28, जो आप इसको सॉल्व करोगे दिस विल कम आउट टू बी 1786 मोल्स. ठीक है, एंड दिस इज क्लियरली 5,000 मोल्स. राइट, दिस इज क्लियरली 5,000 मोल्स. ठीक है, अभी देखो
कंप्लीट रिएक्शन होने के लिए एक मोल नाइट्रोजन गैस को 3 मोल हाइड्रोजन गैस की जरूरत है, ठीक है। तो 1786 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन को 1786 मल्टीप्लाइड बाय फॉर कंप्लीट रिएक्शन, आप यहां पे क्या बोल सकते हो, यू कैन से दैट फॉर कंप्लीट रिएक्शन 1786 इंटू 3 मोल्स ऑफ H2 required, बट 1786 मल्टीप्लाइड बाय 3, क्या ये वैल्यू 5000 से ज्यादा आएगी या 5000 से कम आएगी? आई गेस 5000 से ज्यादा आएगी, राइट। दिस वैल्यू कम्स आउट टू बी हाउ मच, बताओ जी। दिस वैल्यू कम्स आउट टू बी 5358 मोल्स, ठीक है। इतने मोल्स एक्चुअली रिक्वायर्ड हैं हाइड्रोजन के फॉर कंप्लीट रिएक्शन, पर हमारे पास कितने मोल्स हैं? हमारे पास तो 5000 मोल्स ही हैं। सो वेयर वर वी, कि यार ये मोल्स 5000 से ज्यादा हैं, राइट। जो रिक्वायर्ड मोल्स हैं वो 5000 से ज्यादा हैं, तो यानी कि यहाँ पे हमारा लिमिटिंग रिएजेंट कौन हुआ? हाइड्रोजन। तो आप यहाँ पे क्या बोलोगे? सो हाइड्रोजन इज लिमिटिंग रिएजेंट, H2 इज लिमिटिंग रिएजेंट, आप ऐसा बोल सकते हो, सही। H2 इज द लिमिटिंग रिएजेंट। अब हमें बताना है कि कितना NH3 प्रोड्यूस होगा। अब देखो यहाँ पे यार जो रिएक्शन है वो किसके हिसाब से चलेगा? हाइड्रोजन के हिसाब से चलेगा, क्योंकि वो हमारा लिमिटिंग रिएजेंट है। जब हमारे पास 3 मोल हाइड्रोजन थे तब हमारे पास 2 मोल NH3 बन रहा था, राइट। 3 मोल्स ऑफ H2 कितना प्रोड्यूस कर रहा था? 2 मोल्स ऑफ NH3, ठीक है। 1 मोल ऑफ H2 बेटा कितना प्रोड्यूस करेगा? 1 मोल ऑफ H2 प्रोड्यूस करेगा 2/3 मोल्स ऑफ NH3, राइट। इट विल प्रोड्यूस 2/3 मोल्स ऑफ NH3। हमारे पास हाइड्रोजन के कितने मोल्स हैं? 5000 मोल्स हैं, राइट। तो 5000 मोल्स ऑफ H2 कितना प्रोड्यूस करेगा? 2/3 मल्टीप्लाइड बाय 5000 मोल्स ऑफ NH3। तो यार ये कितना आ गया? बेसिकली 10000 डिवाइडेड बाय 3, है ना। यानी कि इतने मोल्स ऑफ NH3 विल बी प्रोड्यूस्ड, राइट। बट क्या हमसे नंबर ऑफ मोल्स पूछे गए हैं? नहीं, हमसे अमाउंट पूछा गया है। तो आप अमाउंट भी बता सकते हो यार, अगर अब आपके पास नंबर ऑफ मोल्स पता चल गए हैं तो, ठीक है। तो चलो उसको यहाँ ऊपर कैलकुलेट कर लेते हैं। सो यू कैन से इट विल बी, नंबर ऑफ मोल्स आपको पता है, इनका वेट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट, राइट। तो आप यहाँ से बोल सकते हो दिस वेट विल बी नंबर ऑफ मोल्स 3333 मल्टीप्लाइड बाय बेसिकली 17 NH3 का मॉलिक्यूलर वेट। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे, अभी ये वैल्यू किस में आ रही है बेटा? ग्राम्स में आएगी, राइट। सो दिस विल बी 56,000 ग्राम्स, या फिर आप अप्रॉक्सीमेटली इसको बोल सकते हो 56 kg, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास कितना NH3 प्रोड्यूस होगा? 56 kg NH3 प्रोड्यूस होगा। सो वी आर डन विद दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम हियर, ठीक है। जल्दी से इसको नोट डाउन कीजिए, देन वी विल मूव अहेड। लेट्स लुक एट द नेक्स्ट प्रॉब्लम नाउ। अ सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय एडिंग 2 ग्राम ऑफ अ सब्सटेंस ए टू 18 ग्राम ऑफ वाटर। कैलकुलेट द मास परसेंट ऑफ सोल्यूट। बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड ईजी क्वेश्चन है।
सो हाउ डू यू कैलकुलेट मास परसेंट ऑफ ए? बहुत अच्छे से सभी चीज़ें हमने लेक्चर में डिस्कस कर ली हैं. सो दिस मास परसेंट ऑफ ए विल बी इक्वल टू मास ऑफ ए ओवर मास ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाइड बाय 100, बिकॉज हम परसेंटेज की बात कर रहे हैं. मास ऑफ ए ओवर मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 100. सो मास ऑफ ए बेटा कितना है? 2 ग्राम्स, राइट. मास ऑफ सॉल्यूशन कितना हो जाएगा? सॉल्यूट का 2 ग्राम्स प्लस वाटर का 18 ग्राम्स, राइट. वी हैव 18 ग्राम्स ऑफ वाटर मल्टीप्लाइड बाय 100, राइट. सो 2 ओवर 20 मल्टीप्लाइड बाय 100 कितना आ गया यार? 10%, सही है. सो दिस इज आवर फाइनल आंसर, राइट. दिस इज आवर फाइनल आंसर. क्लियर है? आई बिलीव यस. कूल, लेट्स लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ. कैलकुलेट द मोलैरिटी, हमें मोलैरिटी बतानी है NaOH की. इन द सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग इट्स 4 ग्राम इन इनफ वाटर टू फॉर्म 250 ml ऑफ द सॉल्यूशन. अगेन, फिर से बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है. मोलैरिटी आपको बतानी है. मोलैरिटी क्या होती है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन. किस में लेनी है? लीटर्स में लेनी है. दैट्स इट. नंबर ऑफ मोल्स बच्चे क्या आप निकाल सकते हो? यस मैम, गिवन मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास. ये देखो, गिवन मास आपको ऑलरेडी गिवन है. कितना? 4 ग्राम्स ऑफ NaOH यू हैव डिवाइडेड बाय इट्स मॉलिक्यूलर मास, दैट इज NaOH. इट मस्ट बी हाउ मच? इट इज 40, राइट. 4 डिवाइडेड बाय 40 यानी कि बेसिकली 0.1 आ गया. ये वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स, यू हैव 250 ml. हमें किस में चाहिए? लीटर्स में चाहिए. तो हम इसको डिवाइडेड बाय 1000 अगर आप इसको कर दोगे सो यू विल गेट इट इन लीटर्स, राइट. ये आ गए आपके मोल्स और ये आ गए आपका लीटर में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन. सो दिस कम्स आउट टू बी 0.4 मोलर, ठीक है. व्हाट इज द मोलारिटी हियर? इट कम्स आउट टू बी 0.4 मोलर, ठीक है, या फिर मोल्स पर लीटर. जल्दी से इसको नोट डाउन कीजिए, देन वी विल मूव अहेड. Let's see the next question now. Okay, this is the solution of the previous question. Let's move ahead. This is our last problem for this day. The density of 3 molar solution of NaCl is 1.25 gram per ml. We need to calculate the molality of solution. Okay, so yaar, you already know ki aapko ye formula aur ye derivation dono cheezein batayi gayi thi lecture mein. That 1 by molality is equal to density by molarity minus molar mass of the solute over 1000. जहाँ पे आपकी density किस में होनी चाहिए? Grams per ml में. तो यार आपको ये सारे values देखो given है, right? Density आपको given है 1.25 already grams per ml में. Molarity हमें given है 3 molar, सही है. मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट, सॉल्यूट यहाँ कौन है? NaCl. NaCl का बच्चे मास कितना होता है? Cl 35.5. दिस इज 58.5, राइट. 58.5 ओवर 1000. यू जस्ट कैलक्यूलेटेड, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ 1/m फर्स्ट. 1/ मोलालिटी की आपको यहाँ पे वैल्यू मिलेगी. देन जब आप उसको रेसिप्रोकल करोगे then you will get the value of molality which is 2.79 molar. ठीक है, कैलकुलेट करना आपका काम. आज के सेशन में बस इतना ही. वी आर डन फॉर द डिस्कशन. विल सी यू इन द एक्सरसाइज. टिल देन बाय बाय एंड कीप लर्निंग.